पा रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र ले लिया है। कल नामांकन पत्र उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने का ऑफर जो है उससे ठुकरा दिया है। नामांकन भरने से इनकार उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो अब जो मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है वो दिग्विजय सिंह हैं। इससे पहले ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अगर नामांकन भरते हैं तो लगभग ये तय था कि वो अध्यक्ष का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जब उनकी तरफ से इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया तो अब मैदान में दिग्विजय सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। हालांकि शशि थरूर भी जो है कल नामांकन अपना दाखिल करेंगे और दोनों में एक मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, आज नामांकन फॉर्म लेने आए हैं दिग्विजय सिंह और उन्होंने जानकारी थी कि कल वो संभवतया फॉर्म जो है वो दाखिल करेंगे। आपको बताया 30 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अब कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मनोहर, लगभग तस्वीर साफ, अगर अशोक गहलोत नामांकन नहीं भरते हैं तो सबसे बड़े दावेदार दिग्विजय सिंह होंगे और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो माना जाए कि एक प्रक्रिया भले ही है लेकिन लगभग दिग्विजय सिंह का बनना कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय है। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं जोधपुर हाउस से 10 जनपद के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। देख, आप तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए यहां से जोधपुर हाउस से सोनिया गांधी से मिलने के लिए निकल रहे थे। आपने देखा जो अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और अब सोनिया गांधी से मुलाकात अब होगी उनकी, उसके बाद ही अब सब सारा मैसेज है, सब कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि कयास ये लगा जा रहे हैं कि अब उन्होंने इनकार कर दिया है तो दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे होंगे। मनोहर, महत्वपूर्ण सवाल है कि आज जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए निकले हैं अशोक गहलोत, तो वहां जाकर क्या ब्रीफिंग होगी पूरे मामले की, या वो अपना मत बता देंगे कि वो नामांकन भरना नहीं चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और जो उन्होंने फैसला लिया उस फैसले को आलाकमान के सामने रखेंगे, या फिर वहां से कोई निर्देश मिलेगा वो लेकर जयपुर जाएंगे? लाइव में हूं। मनोहर, आप सुन पा रहे? सवाल दोहराएंगे आप? जी मनोहर, सवाल यही कि जब अशोक गहलोत निकल गए सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए तो अपने अपना जो फैसला है वो आलाकमान के सामने रखेंगे या आलाकमान के कुछ निर्देश लेकर जयपुर वापस जाएंगे? बिल्कुल, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव की जो कवायद चल रही है उसमें अब वहाँ पर ये चर्चा होगी फाइनली कि अब जो अशोक गहलोत अगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो अब दिग्विजय सिंह के लिए उनको कहा जाएगा कि अब अध्यक्ष बनने की रेस में वो है और उनके सपोर्ट कीजिए, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि राजस्थान के मुद्दों को लेकर के जो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने उनको बुलाया है मुलाकात के लिए, तो वो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि अब उनको आगे किस तरीके से काम करना है और जो पार्टी में जिस तरीके से गलतफहमी पैदा हुई और जिससे वो ये इस तरीके पार्टी में टूटने की नौबत आ गई थी उसको कैसे ठीक किया जाए और अब जो है समझाइश कैसे हो सकती है और बीच का रास्ता क्या हो सकता है, डैमेज कंट्रोल कैसे हो सकता है और उसमें जो किसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इस तरीके का जो गफलत पैदा हुई वो किसने की और पार्टी में इस तरीके से बड़ी छवि को ठेस पहुंची है वो किसने किया, ये अभी ये जानकारी ये मिल रही है कि सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर के ये तमाम चीज़ें वहाँ रखेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी के क्या दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार ही मुख्यमंत्री जैसे कि कल कह रहे थे कि वो जो आदेश करेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। जी, उनके मनाही पर मनोहर अगर आज मोहर लग जाती है आलाकमान की तरफ से तो क्या माना जाए कि जो दिग्विजय सिंह हैं वही आलाकमान के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, यही है कि अब जैसा कि सबके आपस में जो एक राय हो चुकी है तो जाहिर है कि वो दिग्विजय सिंह के लिए ही आप नामांकन के लिए प्रस्तावक हो सकते हैं और साथ में दिग्विजय सिंह जो नामांकन करेंगे उसमें साथ जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब दिग्विजय सिंह है रेस में सबसे आगे हो चुके हैं। जो मुख्यमंत्री पहले अध्यक्ष पद को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, अब लगभग तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। मनोहर, महत्वपूर्ण ये भी है कि तमाम जो राजस्थान के नेता हैं टकटकी लगाए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। सचिन पायलट पहले से जो है दिल्ली में मौजूद हैं। आज जब अशोक गहलोत गए हैं मुलाकात करने सोनिया गांधी से, क्या कुछ महत्वपूर्ण वहां पर रहने वाला है? और चलिए, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया मनोहर।